मैडम जी द्वारा कपाट को खिलाया जा रहा है, पकड़ लिया है साहब का। वो किस्तान मत करिए, किस्तान मत करिए उसको। पता चला आपको? दोस्तों कपाट के पीछे से बिल्कुल कुछ ही क्षणों की लपट झपट में मैडम जी ने सांप को पकड़ लिया। बहुत ही सुंदर दृश्य हम लोग देख रहे हैं। आज कड़ी धूप है महाराष्ट्र में। कहते हैं कि ऋषि विश्वामित्र जी का धूप काल चल रहा है, जो कि वर्षा काल में एक छोटा सा धूप का समय होता है, कड़ी धूप रहती है दोस्तों। और ऐसे कड़ी धूप में मैडम जी सांप को यशस्वी रूप से पकड़ा गया है। अभी इसको एक बरनी में डाला जाएगा, उसके बाद वन विभाग की सहायता से हम इसको जंगल में छोड़ देंगे। दोस्तों हमारे पूरे गांव वासी और यहाँ के युवाओं ने बहुत अच्छा सहयोग दिया और सभी के तालमेल से एक यशस्वी रूप से इतने बड़े सांप को यहाँ पकड़ा गया है। दोस्तों ये जो सांप है किसानों का मित्र होता है। दोस्तों सर्प मित्रवणिता ना ही केवल सांपों को पकड़ती है बल्कि लोगों का डर निकाल देती है और सांपों के प्रति प्रबोधन करती है। ऐसा ही एक दृश्य हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ की बुजुर्ग और महिलाएं और खास करके बालाए युवाए सब लोग अपना डर सांपों को छूकर दूर कर रहे हैं। दोस्तों जब तक हम दोस्ती नहीं बनाएंगे, उसको नजदीकता से आजमाइश नहीं करेंगे, तो हमारे मन में बसा हुआ जो डर है वो कम नहीं हो जाएगा। तो इसलिए ग्रामीण भागों में जब खास करके सर्प मित्र वनिता जी सांप पकड़ने जाती है, तो उनका कार्य जो है संरक्षण संवर्धन या संशोधन का होता है और साथ में सांपों के प्रति प्रबोधन भी किया जाता है। दोस्तों तो बहुत सारे लोग अभी सांपों को डरते नहीं बल्कि बचाने के लिए आगे आते हैं। वैसे भी सांप हमारे राष्ट्रीय संपत्ति की एक महत्वपूर्ण घटक है, उनको मारना कानूनी जुर्म है, सांप को नहीं मारना चाहिए। पर्यावरण बचाइए, सांपों को बचाइए। दोस्तों हमारे तथागत गौतम बुद्ध जी कहते हैं पाणातिपाणा वीरमणि सिक्खा परम समाधि यानी किसी भी धर्म में सांपों की हत्या नहीं करने के लिए सुझाव दिए हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इसलिए दोस्तों सांपों से बैर मत रखिए। सांप हमारा दुश्मन नहीं दोस्त है। तो चलो दोस्तों सांपों को बचाते हैं। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, सांप को मारिए मत। जो सांप है ये सांप बहुत जनों को दिखा है, बच्चे घूमते। अबे हमारे नजर में दो चार बार आया है, लेकिन हम घबरा गए थे इस एरिया में घूमने के वास्ते और बच्चे भी डरते थे, लेकिन आपने ये सांप पकड़ के चले लेके जाने से हमारे डर निकल गई। इसकी वजह से हम बहुत बहुत शुक्रिया मानते हैं आपके। धन्यवाद। और डर निकल गया है और सब लोग फ्री हो गए। बच्चों का सब पूरा डर निकल गया इस गली का, इसकी वजह से हम पूरे गली के तरफ से शुभेच्छा देते हैं। चलो हमारे शॉर्ट फिल्म के डायरेक्टर थे समाधान जी पद्मणे, जिन्होंने मैडम जी का अभिनंदन किया है। साथ में हम बरनी के साथ देख रहे हैं हमारे परम मित्र पी एस सरोदी जी, जो कि बहुत ही अच्छे हमारे सहयोग देते हैं हमेशा। ये पूरे युवा जो है पर्यावरण एवं वन्य जीवों के प्रति जागरूक रहते हैं और हम लोग देख रहे हैं खास करके यहाँ हमारे तेजराव जी गवांदे जी को, उनके पिताश्री को और पूरे परिवार को, जिन्होंने एक हादसे के बाद एक लंबी सांस ली है कि चलो घर से इतना बड़ा सांप निकल गया। धन्यवाद दोस्तों। पकड़े गए सांप को वन विभाग की सहायता से जंगल में छोड़ देंगे। अंजनी बुद्रुक मध्य सर्पमित्र वनिताताई बोराडे यांनी धामन या जातीचा विषय म्हणजे बिनविषारी साप हा पकडला आहे। तरी या साप गेल्या 15 दिवसापासून आमच्या वार्डामध्ये इकडून तिकडे तिकून इकडे फिरत होता आणि लहान मुलं वयोवृद्ध लोकांच्या नजरेत आला होता, त्यामुळे त्याच्यापासून भीती निर्माण झाली होती आणि वार्डात फिरण्याची भीती निर्माण झाली होती। त्यामुळं अचानक हा साप नजरे पडला आणि मॅडमला कॉल केला आणि मॅडमनं कॉल करताच तात्काळ येऊन तो साप पकडल्यामुळं या वार्डातली पूर्ण भीती निघून गेलेली आहे। भीती निघून गेल्यामुळं आणि मला आता त्या ठिकाणी म्हणजे भीतीदायक वातावरण राहिलेलं नाही आणि सर्पमित्र वनिताताई बोराडे यांचं हे महान कार्य आहे, ते कोणतीही फी घेत नाहीत, कोणत्याही ठिकाणी ते रात्री बेरात्री कोणाच्याही ठिकाणी साप निघाला किती अंतरावर निघाला तर ते जाऊन जातात आणि अशा महान समाज कार्यकर्त्याला आमचं त्रिवार नमन आहे आणि हे कार्य अतिशय चांगलं आहे। धन्यवाद, खूप खूप शुभेच्छा आहेत बोराडे ताईला। धन्यवाद, आभारी आहे। ओके मस्त। दोस्तों कल यहाँ पर एक बहुत ही भारी भरकम सांप हमने पकड़ा था और आज लगातार दूसरा दिन है। हमारे शेषराव जी गवांदे जिनके घर पर सांप जो है
पकड़ा गया है दोस्तों, बहुत ही सुंदर। लाइट मत मारिए आप उसके ऊपर, बहुत ही सुंदर सांप, बड़ा ही सुंदर रेस्क्यू सर्प मित्र वनिता जी द्वारा हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। बहुत ही सुंदर सांप पकड़ लिया है यशस्वी रूप से। कल भी ऐसा एक सुंदर सांप यहाँ पर था, जो कि आजकल क्यों ये सांप इनके घर पर इतने आ रहे हैं, ये भी चलो बाहर लाओ शांति से दोस्तों, शाम का समय है, बहुत ही सुंदर साफ है। घर से बाहर लिया जा रहा है थामन साहब बिन विचारी, थामन साहब बिन विचारी, उंदीर घुशींचा नाश करी, उंदीर घुशींचा नाश करी। मित्रांनो, 2 ऑक्टोबर ते 7 ऑक्टोबर वन्यजीव सप्ताह सुरू आहे। कोणी सापांना वारू नका, साप वाचवा, पर्यावरण वाचवा। साप हे आपल्या नैसर्गिक संपत्तीचे महत्त्वपूर्ण घटक आहेत आणि भारतीय संविधानाने सापाला संरक्षण दिले, त्यामुळे कोणीही सापाला मारू नका। असे साप जर घराच्या आजूबाजूला आले तर चादर, गोणपाट, गोणी त्याच्या अंगावर झाकण टाका, जवळच्या सर्पमित्राला बोलवा आणि कृपया साप पकडून द्या। दोस्तो, साप का डर मन में बसा हुआ होता है, इसलिए लोग अक्सर सापों को डरते हैं, लेकिन वास्तव में साप मानवता के मित्र है और इसे डरना नहीं चाहिए। हम लोग देख रहे हैं बड़े निडरता के साथ हमारे बच्चे जो है सांप को उत्सुकता से हाथ लगा रहे, सामने आ रहे, लेकिन हमारे अनुपस्थिति में कोई भी हमारे वीडियो देख के सांपों को पकड़ने का दुस्साहस मत करिए। सांप पकड़ना कोई आम बात नहीं है, इसके लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण की नितांत आवश्यकता होती है। कोई भी हमारे वीडियो देख के सांप पकड़ने का दुस्साहस मत करिए, इसके लिए शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। धन्यवाद मित्रों, अभी इसको हम रख देंगे अंदर और छोड़ देंगे जंगल में। वन्यजीव सप्ताह के औचित्य पर सभी पकड़े गए सांप को हम वन विभाग की सहायता से और प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति में जंगल में छोड़ने वाले हैं दोस्तों। इसी घर में इसी समय कल हमने एक बहुत ही ऐसा ही सांप पकड़ा था, शायद हो सकता है कि दोनों सांपों का जोड़ा हो इस परिसर में आजू बाजू में घूमता हो, और आज दोनों को भी यशस्वी रूप से पकड़ा गया है। कल एक को पकड़ा था, आज एक को पकड़ा है, और यह धामिन प्रजाति का बिंजरीला सांप है। बहुत ही सुंदर सर्प, सर्प मित्र वनिता और बाल सर्प मित्र मानव, दोनों माँ बेटों ने मिलकर बहुत ही सुंदर सांप को पकड़ा है। वन विभाग की सहायता से जंगल में छोड़ा जाएगा। पूरी भीड़ जमा हो चुकी है गांव में, जब रोज एक सांप निकले तो आश्चर्य तो होना ही है। दोस्तों, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और पूरे भारतवर्ष में जयंती मनाई जा रही है। इतना ही नहीं तो 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर चलने वाला वन्यजीव सप्ताह भी चल रहा है और वन्यजीवों का संरक्षण करने हेतु सभी तरफ से प्रयास हो रहे हैं। सांप हमारे राष्ट्रीय संपत्ति के महत्वपूर्ण घटक है, इनको बचाना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, और इसलिए वन्यजीव सप्ताह के उपलक्ष्य में इस बचाए गए सांप के लिए सभी गाँववासियों ने और लोगों ने अच्छा योगदान दिया। तहे दिल से हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। हम भीड़ को देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर और भारी भीड़ है।